तो मेरा चैनल भाई ना डिलीट होते होते रह गया। सो गाइस ना मैंने ना यूट्यूब पे आके ना बहुत सारी गलतियां की है ना। किसी को भी ना किसी भी बाइक का किसी भी बाइक से रिलेटेड कुछ भी जानना हो ना तो बस मेरे को कमेंट कर देना। 4000 में कैसे तुम काम? अरे सब छोड़ो यार, चलो सब छोड़ो यार, सैलरी उल्ली तो देखो पैसा तो मुंह में आया है। कर कटे या हंस कर। चेक मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी मैं हूँ घर पे और फिलहाल में अभी मैं मतलब लंच टाइम पे से मतलब ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ। सो गाइस फिलहाल में अभी तो मैं खाना ही खा रहा था, जैसे कि ये चेक करो, दाल चावल मस्त बना था, यही खा रहा था। बट भाई हवा इतनी तेज चल रही है, बार बार यहीं पे धूल मिट्टी देखना कितनी हो गई। ये पन्नी उड़ के आई थी यहाँ पे, पैर पे गिरी, ये वो थाली के अंदर नहीं गिरी, नहीं तो पॉपट हो जाता गंदा वाला। ना लाइट भी नहीं आ रही है यार, नहीं तो अंदर बैठ के मस्त खा लेते। अंदर टीन है ना ऊपर, तो गर्मी बहुत हो रखी है यार, गंदी वाली गर्मी लग रही है। एंड दूसरी चीज, इसमें धूल मिट्टी चेक करो कितनी हो गई है। ये चेक करो गाइस, बाहर पेड़ ऐसा लग रहा है कि टूट ना जाए, मतलब बांस के पेड़ हो रखे ना ये, तो लग रहा है टूट ना जाओ। धूप देखो कितनी तेज है आज। सो गाइस जस्ट अभी परसों पे पहुंचा हूं और उसके बाद में अपना दोस्त मिल गया जो कल वाला। और भाई अब मतलब इतना क्रेजी सा सीन हुआ है ना तुम्हारे वो कल की हरकतों की वजह से। गाइस कल पता है मैंने मतलब ये थे ना हाथ काट रहे थे, ठीक है अभी हाथ मत दिखाइए भाई, मतलब फिर से हो जाए भाई, मतलब चैनल मेरा डिलीट होने से बच गया। और वो भी ठीक था यार, जानबूझ के मतलब मेरी ही गलती थी, उस पर मैं दिखा रहा था ये हाथ काट रहे थे और मैं दिखा रहा हूँ ये वैसे ब्लेड चला रहे, मैं ब्लॉग बना के दिखा रहा हूँ भाई। अब जाहिर सी बात है यार, ब्लॉग अक्सर बच्चे देखते तो बच्चे पे गंदा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसी तरीके से ना बच्चे वगैरह थे ना देख रहे थे मेरा चैनल भाई ना डिलीट होते होते रह गया। बहुत किस्मत बढ़िया थी जो कि मैंने देख ली, मेल वगैरह काफ़ी सारी आई थी, फिर मैंने चेक करके जल्दी से मतलब वीडियो को ही डिलीट कर दिया था। सो गाइस ना मैंने ना यूट्यूब पे आके ना बहुत सारी गलतियां की है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बहुत सारी यार अपनी लाइफ में मतलब गलती की है जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ। तो मैं आज ना आपको ना सारी बातें बता दूँ और मतलब मेरे ब्लॉग को बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो जो मैं बोलूँगा वो आप साइज से आप पे भी गलती हो जाएगी जो मुझ पे हो जाए, पता है। तो फिलहाल मैं अभी मैं आपको बता दूँ, मैं यूट्यूब पे आया, मेरी थोड़ी सी किस्मत जागी, सौरभ जोशी से मिलने गया था, सौरभ जोशी का हुआ ब्लॉग वायरल एंड उस साल में मुझे मिली थोड़ी सी पब्लिक, एंड पब्लिक में को चाहिए था ब्लॉग और उस टाइम पे मैंने गलती की, मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहा था। एंड दूसरी चीज, ब्लॉग अपलोड भी कर रहा था तो उसकी टाइमिंग का कोई मतलब टाइम ही नहीं था, और बल्कि होना क्या चाहिए, अगर तुम्हारी किस्मत साथ दे जाए तुम्हारा ब्लॉग वायरल हो जाए तो तुम्हें उस दिन से कसम ठान लेनी है कि हमें डेली ब्लॉग अपलोड करना है, बट मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। एंड दूसरी चीज, अगर आपका ब्लॉग वायरल होता है तो उसके साथ साथ आप पता क्या करना, उसके साथ साथ डेली ब्लॉग अपलोड करना करो, डेली ब्लॉग, और डेली ब्लॉग अपलोड करो एंड उसका एक टाइम रख लो, एक टाइम रख लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसी तरीके से मैंने ना लाइफ में बहुत गलतियां की है एंड बहुत सी उल्टी सीधी भी चीजें दिखाई है, उल्टे बर्ड वगैरह भी बहुत सारे बोल दिए, तो इस तरीके की चीजें बिल्कुल ही एंड कर देना। उसके बाद में क्या होता है ना, पब्लिक मिलना एकदम से अट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो ना, तो टोटल मिला के ना मेहनत करो एंड बेहतर से बेहतर दिखाओ ब्लॉग में, और बाकी गलतियां बिल्कुल भी मत करो, उल्टे सीधे ऐसे काम बिल्कुल मत करो जिससे बच्चों पे इफेक्ट पड़े। तो बस कुछ यही बताना चाहता था, बाकी अभी फिलहाल मैं जल्दी से अपना काम निपटा लेते हैं एंड अभी जा रहा था मैं स्टोर पे चाबी लेके। सॉरी यार थोड़ा सा पका दिया होगा मैंने आपको अपनी ये सारी बातें उतें बोल के, खैर कोई नहीं जल्दी से निकलते हैं और पार्ट लेके आते हैं। सो गाइस अभी मैं आया था अंदर, तो फिलहाल मैं जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है यहाँ पे काफ़ी टाइम से अपने पास में मतलब साइकिल पड़ी हुई थी, उसे मैं सोच रहा था उसे ठीक कर पाऊंगा, बट यार अब इसे ठीक नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि इसका मैंने मतलब इसके सामान वगैरह मतलब जो कि पार्ट वगैरह वो मैंने पूछे थे, तो भाई मतलब बहुत ही मतलब ऊपर वजट जा रहा है, इसीलिए मैं इसे सोचता हूँ इसे मैं ठीक नहीं कराऊंगा, इसे किसी बच्चे को दे दूंगा चलाने के लिए, या फिर मतलब देखते हैं क्या कैसा कैसे ही ना बच्चे घूमते रहते हैं, काफ़ी टाइम से मांग भी रहा था एक मतलब छोटू है जो मैंने पुराने ब्लॉग में आपने देखा भी, वो उसे दे देंगे। और फिलहाल मैं इस वाली साइकिल को अपना ठीक करा लेंगे मस्त, फिर इसी से मस्त घुमा करेंगे अपने। एक साल से गाइस ये ना मेरे पास में ऐसी पड़ी हुई थी और यहीं पे पीछे पड़ी हुई थी भाई, मैंने सोचा ठीक से ठीक कराऊंगा बट अब नहीं करा पाऊंगा, इसका बजट बहुत ऊपर जा रहा है, जब एक साल में ठीक नहीं करा पाया तो अब क्या वैसे क्या ठीक कराऊंगा, वैसे इसमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं ना बस इसीलिए ही ठीक नहीं कराऊंगा यार, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं 400-500 तो सोचता भी पापा से मांगता भी, बट अब नहीं यार बहुत लंबा बजट जा रहा है यार इसका। साइकिल का तो ना गाइस मुझे बस इसीलिए शौक है क्योंकि यार ना मुझे साइकिल से घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लंबी लंबी राइड मारना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ों पे जाना इधर उधर घूमना मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब साइकिल से जाता हूँ ना तो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं थी यार। सो गाइस फिलहाल में अभी चल रही थी साइकिल के बाद, अंकल जी अभी आए थे अपने पास में, अंकल जी मुझसे बोल रहे थे कि इसे साइकिल दे दो इस बंदे के लिए जो मेरी अंदर पड़ी हुई है, तो इन भाई के लिए अंकल जी दोनों को कह रहे हैं। तो अंकल जी क्या करना आप बताओ, आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे, साइकिल दे दे इसको भाई, तू क्यों लेगा साइकिल बस इतना बता दे क्यों चाहिए तुम्हें और क्या चाहिए, मैं भाई तुम्हें पता ही अपने दोस्त हो तुम फ्री में दे देंगे, ऐसे ही चाहिए चलाने के लिए, कहाँ रहते हो तुम शर्माता है अंकल जी, ये शर्माता बहुत है, ये बहुत शर्माता है, क्यों शर्माता है यार,
इतना तो लड़कियां भी नहीं शर्माती है। तो गाइस फिलहाल में अभी अपना दोस्त आया हुआ है एंड फिलहाल में अपना आया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ इन्होंने मतलब आज से ज्वाइन किया है यहाँ पे। एंड फिलहाल में जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है यहाँ पे अपना रंजीत अपना एक डॉन काम किया करता था, बट उन्होंने छोड़ दिया जॉब एंड उनकी जगह पे ये आए हुए हैं। और भाई तुम ये बताओ तुम कहाँ रहते हो, ये बताओ सबसे पहले। बदेपुरा रहते हो? अरे भाई बदमाश हो गए, वो कहाँ रहते हैं, कस्बा में मतलब गाँव में रहते हैं, मान बदमाश रहते हैं यार। पहले मैं वही रहता था एक्चुअल में गाइस, पहले मैं वही रहता था तो मुझे सब लॉर्डों के बारे में पता कौन कैसा है, सभी दोस्त है ना ग्रुप के लॉर्ड है। तो फिलहाल में ये बताओ तुम्हें मतलब यहाँ मतलब आए हो, कितनी सैलरी मिली है तुम्हें यहाँ? वही 5.5। 5.5? अरे भाई ने 5.5 बोलिए, तुमसे तो कम मेरी सैलरी है, 4,000 है यार। 4.5 में कैसे तुम कर लेते हो भाई? 4,000 है, 4.5 नहीं 4,000 है यार। 4,000 कैसे तुम काम? अरे सब छोड़ो यार, चलो सब छोड़ो यार, सैलरी उल्ली तो देखो पैसा तो मुंह में आया है। अब देखो तुम यहाँ पे आए हो ठीक है, अब तुम यहाँ पे आए हो तो तुम ना कुछ काम सीखो भाई, काम सीखो। तो मैं बताऊँ KTM का कुछ भी काम सीखना हो, देखो अभी उसका इंजन उतार रखा है मैंने, उसका इंजन होगा ठीक है, फुल इंजन होगा उसका। तो तुम्हें अगर कुछ भी सीखना हो ना मुझसे, तुम ना कुछ भी पूछ सकते हो मेरे, कौन सी गाड़ी है, कितने CC है, क्या क्या काम होता है, सर्विस पे कौन सा होता है, तुम मुझसे ना सारी बात पूछ सकते हो। तो कुछ डाउट है तुम्हारे मन में? अरे यार मतलब क्या तुम्हें कुछ सीखना ही नहीं है। सो गाइस ना किसी को भी ना किसी भी बाइक का किसी भी बाइक से रिलेटेड कुछ भी जानना हो ना तुम बस मेरे को कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई तुरंत बताएगा। एंड अगर बाइक से रिलेटेड वीडियो भी देखनी हो तो वो भी चेकआउट कर लेना, दूसरे अपना चैनल पे द प्रो टेक्नीशियन अपना दूसरा चैनल है, उस पर जाके चेकआउट कर लेना। एंड मतलब KTM से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। जय श्री राम। अगर कुछ आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही हो ना तो मुझसे पूछ सकते हो आप, तुरंत कमेंट में तुरंत बताऊंगा तुरंत। हो चुका है वर्कशॉप बढ़ाने का टाइम एंड फिलहाल मैं मौसम देखूं यार, अभी लग रहा होगा कि कुछ टाइम नहीं हुआ बट अभी 6:30 बज चुके हैं। दोस्त अब ये बेरियल मैं अभी अंदर डालूंगा, तू वहां पे लटक, मैं तेरे को झूला खिलाता हूँ इस पे, वहां पे लटक जा, तेरे को झूला खिलाता हूँ यार, मौज कर। हाँ अरे तू तो बड़ा भारी है यार, अरे यार सच में खींच ही नहीं रहा है। अरे भारी जाएगा दही, भारी जाएगा यार, हैवी ड्राइवर यहाँ जाएगा, इसमें डालो इसमें। हाँ सीधे फेंक दो अंदर को, कुंभा कुछ नहीं होगा यार बाबू, यार तुम पे कुछ नहीं होगा यार, क्या करोगे तुम अपनी लाइफ में? वैसे तुम्हारा ड्रीम क्या है, वैसे तुम्हारा ड्रीम क्या है? अरे ड्रीम का मतलब नहीं जानते हो? अरे यार मतलब तुम्हारा सपना क्या है, तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो? तेरा सपना क्या है? तेरे साथ घूमना। मेरे साथ घूमना तेरा सपना है? अभी थार भी ना ली है ना कार ली है, तो अभी से तेरे घूमने का मन कर रहा है यार? ये गाड़ी है तो नीचे घूमेंगे, इनसे घूमेगा यार, इनमें तो पेट्रोल डलवा डलवा के अपनी जेब खाली हो जाएगी यार। हाँ यार सही कह रहा है। और दाई तुम बताओ तुम्हारा ड्रीम क्या है, सपना क्या है? नहीं मैं नहीं मानता। अरे सामने, अरे यार तुमने उसका कॉपी कर दिया यार, उस बंदे का यार, ये बात गलत है यार, कॉपी नहीं करना यार। मतलब सपना क्या, देखो मैं बताऊँ, मैं तो देखो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए मैंने अपना ड्रीम पता क्या बना लिया, गाड़ी का सुपर डुपर मैकेनिक बनना है यार। ऐसी तुम्हें ही बनना, तुम यार कॉपी कर रहे हो, छोड़ो यार सालम, यही है हर बट मेरे कॉपी कर रहा है यार। हाँ यार ये नया बंदा पता नहीं कहाँ से आया है, इसे मैंने कहा काम सिखाऊंगा बट ये सीख ही नहीं रहा है। सो गाइस फिलहाल में अभी मैं हूँ घर पे एंड वर्कशॉप बढ़ा के डायरेक्टली घर पहुँच गया था। एंड फिलहाल में आज ना इस वाले लॉक को मैं सॉल्व कर रहा था, एक कस्टमर थे ना मतलब उनके मतलब जो क्रैश गार्ड था ना उसमें लग रखा था ठीक है, तो उसमें उनने कहा था इसे ग्लेंडर से काट दो, बट मैंने ग्लेंडर से नहीं काटा इसे, मतलब सिंपली थोड़ा दिमाग लगा के वहाँ पे खोल दिया, बट इसका पासवर्ड तो मेरे को पता ही नहीं था, बट मैंने जैसे तैसे अभी मतलब 1 घंटे तक लगा रहा और इसका पासवर्ड मुझे फाइनली पता चल गया। और आपको बताता हूँ अगर आपका कभी भी इसकी मतलब भूल जाओ इसके नंबर तो आप कैसे, सो ध्यान से देखना, बड़ी डिटेल में बताऊंगा। जैसे ये लॉक होता है ना, तो लॉक अगर जैसे इसमें कस जाए ऐसे टाइट हो जाए तो इसका जो है ना इस तरीके से पिले रहनी चाहिए, जैसे कि ये चेक करो, इतनी ऐसे पिले आएगी ना तभी लॉक खुलेगा, जैसे कि ये पिले आए फिर इसमें भी इसमें भी इसमें भी, फिर उसके बाद खुल जाता है। और गाइस ना अक्सर इस लॉक का पता है पासवर्ड क्या होता है, 6162, यानी कि 61 का पहाड़ा, मतलब दो बार बोल दो बट खुल जाएगा, ये बहुत ही इजी सा पासवर्ड है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। सो गाइस फिलहाल में अपना खाना भी आ चुका है एंड फिलहाल में जल्दी से फिलहाल में तो पहले खाना फिनिश कर लेते, बहुत तेजी से भूख लग रही है। सो फिलहाल में गाइस खाना खा लिया है एंड फिलहाल में इस ब्लॉग को तो अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि बच चुके हैं 10 और फिलहाल में अब करूंगा मैं अपना ब्लॉग एडिटिंग एंड फिलहाल में 1-2 रील्स भी पड़ी हुई है इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं पता ही है आप सभी लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे कैसे धड़कता फड़कता सीन चल रहा है, तो मतलब टोटल मिला के अभी एडिटिंग वगैरह करनी है, मतलब करते करते 1 बज जाएगा 1-2, उसके बाद में 6 बजे उठना, मतलब टोटल मिला के इस ब्लॉग को तो यहीं पे एंड करता हूँ, तो जल्दी मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइस अब इन्हें सीखना हो या ना सीखना हो हम, सो गाइस हमें, सो गाइस मेरा जो फर्ज बनता था उसीलिए मैंने तो इन्हें बोल दिया, अब इनका मतलब